तिवारी जी, आप सबने तो फैसला किया है कि एक मिनट में खत्म करना है। मैंने माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो मुद्दा आपने मुझे उठाने का मौका दिया है वो बड़ा दर्द भरा है। दिल्ली के रानी झांसी अनाज मंडी में भीषण अग्निकांड हुई, लोग इसे अग्निकांड कह रहे हैं। हम 3 दिन के अपने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पे कहना चाहते हैं ये अग्निकांड नहीं अध्यक्ष जी, ये नरसंहार है। और इसको कहने के लिए हमारे पास 7 लाइन की एक बात है। उस फ्लैट में जिसमें घरेलू मीटर कनेक्शन लगा था, उसका बिल लाखों में आता था, लेकिन बिजली विभाग चुप था। क्यों चुप था ये सवाल है। फैक्ट्री चल रही थी, कोई लाइसेंस नहीं था, लेकिन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट चुप था। एक फ्लैट में 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, चाइल्ड लेबर काम कर रहे थे, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट चुप था। और जब वहां से फोन किया एक आदमी, 1.5 मिनट अध्यक्ष जी वो चिल्लाता रहा, बचा लो मेरे बच्चे को बचाओ, बाहर से दरवाजा बंद था। वहां का विधायक आम आदमी पार्टी का, वहां का पार्षद आम आदमी पार्टी का, सरकार आम आदमी पार्टी की, लेकिन 2017 से रीडेवलपमेंट प्लान में दिए को शिफ्ट नहीं किया गया। मैं आपके मार्फत प्रार्थना करना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि ऐसे ऐसे ऐसी सरकार को, ये अच्छा होता कि आप पहले बोले होते अध्यक्ष जी। मैं आपके मार्फत चाहता हूं दिल्ली के गरीबों को मौत दे ये दिल्ली की सरकार। इसके लिए जवाब मांगना पड़ेगा अध्यक्ष जी। हमारे 43 लोग, गरीब लोग, वो चाहे बिहार के ही क्यों न हो, क्या गरीबों को मरने के लिए यहाँ पे दिया था? और बिहार के लिए इन्होंने खराब स्टेटमेंट दिया। कुछ दिन पहले इसी सीएम ने कहा 500 रुपया का टिकट लेके चले आते हो, और आज उसी बिहार के 43 लेबर जल के मर गए, सफोकेशन से मर गए। मत बोलिए, इस पे बोलने का अधिकार नहीं है, काम करिए। मैं आपसे आपके मार्फत मांगना चाहता हूँ कि संसद जवाब मांगे कि सरकार ने आंख बंद क्यों रखी सर, ये हमारी प्रार्थना है सर।